हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, फुलसी नायक महाविद्यालय पुसद। माय सेल्फ गजानन वी बोरगड़े, वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, फुलसी नायक महाविद्यालय पुसद। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द डाइज, देयर डेफिनेशंस, कंडीशंस फॉर द सब्सटेंस टू बी एक्ट एज अ डाइज, देन क्लासिफिकेशंस ऑफ डाइज, इन विच द क्लासिफिकेशंस ऑफ डाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्रोमोफोर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, वी मेनली क्लासिफाइड द डाइज इनटू द सेवन कैटेगरीज, दैट इज द नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज, एजो डाइज, देन ट्राइफिनिल मिथेन डाइज, थैलेन डाइज, देन इंडिगोइड एंड थायो इंडिगोइड डाइज, एंथ्राक्विनोन डाइज एंड द मिसलेनियस डाइज। तो आज के लेक्चर में हम नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। नंबर वन, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। देखो, बेसिकली दिस डाइज आर पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल और नेप्थॉल। ये पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव होती है या तो फिनॉल की या फिर नेप्थॉल की, मतलब जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो नेप्थॉल होगा, नहीं तो फिनॉल होगा। मतलब इसमें फिनॉल रिंग और नेप्थॉल रिंग ज़रूर होगी। देखो, फिनॉल क्या होता है आपको पता है, इस टाइप का कंपाउंड्स होता है फिनॉल, ये है फिनॉल और ये है नेप्थॉल। ठीक है, सो दीज नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज आर द पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल और नेफ्थॉल। द नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट एट द अर्थो और पैरापोजिशन टू दिस OH ग्रुप। ये जो OH ग्रुप इनमें प्रेजेंट है, उनके अर्थो पोजिशन पे या फिर पैरापोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप या फिर नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखो, अर्थोपैरा तो आप जानते ही होंगे, इस OH के रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, अर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस वन इज पैरा। सो व्हाट आर द नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज, these are the polynitro derivatives of phenol or naphthol, phenol or naphthol। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप या फिर नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट होगा अर्थो या फिर पैरा पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू दी OH ग्रुप। देन दीज डाइज, इनमें ये जो डाइज है इनमें जो कलर्स होते हैं, दीज कलर्स आर नॉट फास्ट एंड हेंस आर नॉट इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट। मतलब इनके जो कलर्स होते हैं, इन डाइज के जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं, फास्ट नहीं होते हैं, डार्क नहीं होते हैं, इसलिए ये डाइज इंडस्ट्रियली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडस्ट्रियली लेस इम्पोर्टेंट है। कलर्स आर नॉट फास्ट, इसीलिए क्या होता है, लेस इम्पोर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियली।
ये इंडस्ट्रियली क्या होती है, लेस इंपॉर्टेंट होती है, इंडस्ट्रियली इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके कलर्स ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं, फास्ट नहीं होते हैं, इसीलिए। ओके, इनमें से जो नेप्थॉल एलो एस एग्जाम्पल है इस टाइप के डाइज का, नेप्थॉल एलो एस जो डाइज होती है, नेप्थॉल एलो एस इज यूज फॉर कलरिंग एडिबल मटेरियल। नेप्थॉल येलो यस, ये एग्जाम्पल है इस टाइप के डाइस का। नेप्थॉल येलो यस इज यूज फॉर कलरिंग एडिबल मटेरियल। जो खाने की खाने पीने की चीज होती है उनको कलर करने के लिए, हम देखते हैं ना बहुत सारे जो खाने की चीज़ें होती हैं उनमें कलर्स होता है, तो ये जो है एक एग्जांपल है कि नेप्थॉल एलो ईयर्स ये जो खाने की मटेरियल से खाने की चीज़ें हैं उनमें ऐड करते हैं। अब देखो मैं कुछ इनके एग्जांपल्स लिखता हूँ, एग्जांपल्स उनके स्ट्रक्चर भी निकालता हूँ यहाँ पर। सो देखो सबसे पहले समझ लो, दीज आर द पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल और नेप्थॉल। कलर्स आर नॉट फास्ट, इन डाइज के कलर्स इतने फास्ट नहीं होते हैं, इसीलिए ये इंडस्ट्रियली लेस इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल है नेप्थॉल एलो एस इज यूज फॉर द कलरिंग एडिबल मटेरियल। कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रो एंड नाइट्रोसोडाइज, एग्जाम्पल्स देखो इनमें, इन सभी में जैसा कि मैंने अभी कहा कि इनमें बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो या तो फिनॉल होगा नहीं तो नेप्थॉल होगा। तो फिनॉल देखो ये बन गया फिनॉल। अब इसका पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव एक कंपाउंड है NO2 अर्थो पैरा अर्थो, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखो ये 1 होगा, ये 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका नाम भी लिख देता हूँ 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसे क्या कहते हैं कॉमनली, पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो देखो ये फिनॉल का पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव है, 3 नाइट्रो ग्रुप है इसमें जो कि आर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे प्रेजेंट है। उसी तरह दूसरा एक एग्जांपल है नेप्थॉल एलो यस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेप्थॉल है, तो देखो ये नेप्थॉल है, नेप्थॉल एलो यस। अब इनमें क्या होता है कि यहाँ पर NO2 ग्रुप होगा, यहाँ पर NO2 ग्रुप होगा और यहाँ पर एक एसिडिक ग्रुप होगा, यानी कि यहाँ पर होता है SO3H ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है यहाँ पर, SO3H ग्रुप होता है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ SO3H, एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है, एसिडिक ग्रुप्स होता है। ये है नेप्थॉल येलो यस, नेप्थॉल येलो यस, पिक्रिक एसिड नेप्थॉल येलो यस। देन द थर्ड एग्जाम्पल इज द नेप्थॉल ग्रीन वाई, नेप्थॉल ग्रीन वाई, एज द नेम सजेस्ट इसमें भी नेप्थॉल ही होगा। और इनमें क्या होता है देखो, इनमें नाइट्रोसो ग्रुप होता है, नाइट्रोसो ग्रुप होता है, तो नाइट्रोसो ग्रुप क्या है, सिर्फ NO, NO,
तो नाइट्रो होगा NO2, नहीं तो फिर क्या होगा NO, जो कि नाइट्रोसो ग्रुप है। नेफ्थॉल ग्रीन वाई, नेफ्थॉल ग्रीन वाई, इसका नाम क्या है? नेफ्थॉल ग्रीन वाई। सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ द नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। लुक एट दी ऑल दी एग्जाम्पल्स। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स हेयर आर दी फिनॉल और नेफ्थॉल ग्रुप इज प्रेजेंट। हेयर इज द फिनॉल, हेयर इज द नेफ्थॉल, हेयर इज द नेफ्थॉल, इन विच दी नाइट्रो और नाइट्रोसो ग्रुप इज प्रेजेंट। नाइट्रो और नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट। सो आप भी इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप की डाइज है। अगर इनमें NO2 ग्रुप है तो ये नाइट्रो है, और NO ग्रुप है तो नाइट्रोसो है। तो जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डाइस का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, उनमें ये फर्स्ट टाइप था, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइस। ठीक है, सेकंड देखते हैं, एजो डाइस। सेकंड एजो डाइस, सेकंड वन इज एजो डाइस। सेकेंड टाइप इज एजो डाइज। दीज डाइज कंटेन वन और मोर एजो ग्रुप। दिस कंटेन वन और मोर एजो ग्रुप, कंटेन वन और मोर एजो ग्रुप, दैट इज सच टाइप ऑफ ग्रुप। कंटेन वन और मोर एजो ग्रुप, इनमें एक या एक से ज्यादा एजो ग्रुप होता है। ठीक है, नाउ इन दिस डाइज दिस एजो ग्रुप इज अ क्रोमोफोर। एजो ग्रुप ये जो होता है, यही इसमें क्या होता है? क्रोमोफोर होता है, एज अ क्रोमोफोर, क्रोमोफोर। देन ऑक्सोक्रोम्स इन दी डाइज, ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम्स आर, इसमें कौन कौन से ऑक्सोक्रोम्स हो सकते हैं? ऑक्सोक्रोम्स आर OH, SO3H, NH2, NR2। सो सी ऑक्सोक्रोम्स आर OH, SO3H, NH2, NR2। इनमें जो ऑक्सोक्रोम्स हो सकते हैं, वो ऑक्सोक्रोम OH हो सकता है, SO3H हो सकता है, अमाइन हो सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूटेड अमाइन हो सकता है। मतलब इनमें एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के ऑक्सोक्रोम्स हो सकते हैं। ठीक है, देन दिस डाइज हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ द कलर्स रेंजिंग फ्रॉम्स येलो टू ऑरेंज एंड रेड। वाइड रेंज ऑफ कलर्स, वाइड रेंज ऑफ कलर फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड रेड। येलो टू ऑरेंज एंड रेड, इनमें कलर्स की रेंज होती है। तो देखो एजोडाइज क्या होती है? इट कंटेन वन और मोर एजो ग्रुप, इनमें एक या एक से ज्यादा एजो ग्रुप होता है, एज अ क्रोमोफोर, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रुप होता है ना, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, वो क्रोमोफोर इसमें एजो ग्रुप होता है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ऑक्सोक्रोम्स प्रेजेंट एसिडिक भी हो सकते हैं या फिर बेसिक हो सकते हैं। देखो ये दो एग्जाम्पल एसिडिक के हैं, दो एग्जाम्पल बेसिक के हैं। दीज डाइज हैव वाइड रेंज ऑफ कलर्स फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड रेड। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एजोडाइज आर मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, पैरा रेड,
ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। देखो मिथिल ऑरेंज बहुत कॉमन है, मिथिल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, पैरा रेड, बिस्मार्क ब्राउन, ये इस टाइप के डाइज के एग्जाम्पल है, एजो डाइज के। मतलब इनमें एजो ग्रुप होता है एज अ क्रोमोफोर। ठीक है, अब देखो दीज डाइज आर द प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर इनको प्रिपेयर करना है तो ये किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इनकी जनरल जो मेथड्स होती है प्रिपरेशंस की वो हम देखते हैं। देखो द प्रिपरेशंस ऑफ दीज डाइज इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। देखो इनके प्रिपरेशंस में कौन सी स्टेप्स यूज होती हैं। प्रिपरेशन ऑफ एजो डाइज, प्रिपरेशन ऑफ एजो डाइज, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। प्रिपरेशन ऑफ एजो डाइज इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर वन इज अ एरोमेटिक अमाइन्स। सबसे पहले हमें एरोमेटिक अमाइन्स लेने होते हैं और एरोमेटिक अमाइन्स का डाइजोटाइजेशन करना होता है। क्या को करना होता है? डाइजोटाइजेशन। एरोमेटिक अमाइन्स ऑन डाइजोटाइजेशन गिव्स एजो सॉल्ट, डाइएजो सॉल्ट। Aromatic amines on diazotization gives diazo salt. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में aromatic amines का कन्वर्शन diazo salt में होगा। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है कि जो diazo salt हमें फर्स्ट स्टेप में मिले हैं, ये फर्स्ट स्टेप में हमें मिले थे diazo salt plus aromatic amines और phenol. सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है? वी हैव टू यूज दिस diazo salt विथ अ aromatic amine और phenol which gives azo dye. That is aromatic amines gets converted into the azo dyes. Firstly, by the diazotizations. On diazotization, they forms the diazo salt, which on reactions with the aromatic or on treatment with the aromatic amine or phenol gives azo dyes. तो ये होती है इनकी प्रिपरेशन की मेथड। ये जनरल टर्म्स है कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें डाइजोटाइजेशन करना है, जो भी सॉल्ट हमें मिलेगा उस सॉल्ट को हमें aromatic amine के साथ या फिर phenol के साथ इसको ट्रीट करना होता है। फर्स्ट स्टेप में जो हमें डाइजो सॉल्ट मिलता है उसे हमें एरोमेटिक अमाइन्स के साथ या फिर फिनॉल के साथ ट्रीट करना होता है, तो हमें एजोडाइज मिलती है। ठीक है, अब इसका जो एग्जांपल है जो हमने अभी लिखे थे, मिथिल ऑरेंज है, कॉन्गो रेड है, पैरा रेड है, बिस्मार्क ब्राउन है, तो उसमें से हम लेते हैं मिथिल ऑरेंज। अब देखो मिथिल ऑरेंज जो है उसका स्ट्रक्चर, उसके प्रॉपर्टीज, उसके प्रिपरेशंस एंड यूजेस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, सो मिथिल ऑरेंज किस टाइप की डाई है? ये है एजो डाई, मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजो डाई। सी द स्ट्रक्चर ऑफ मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज का स्ट्रक्चर देखो, मिथिल ऑरेंज जो है वो एक एजो डाई है। अगर ये एजो डाई है तो इसमें एजो लिंकेज होगा ही, तो इसमें एजो लिंकेज है और इसमें
SO3H ग्रुप भी होता है, SO3H ग्रुप भी होता है। अब देखो ये है मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज इट इज एन एजो डाई, इट इज एन एजो डाई कंटेन वन एजो ग्रुप, कंटेन वन एजो ग्रुप। देखो इसमें एजो ग्रुप है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजो डाई, इट कंटेन वन एजो ग्रुप, इसमें एजो ग्रुप है। इट ऑल्सो कंटेन एसिडिक ग्रुप, तो ये किस टाइप की डाई होती है, ये है एसिडिक एजो डाई बिकॉज इट कंटेन एसिडिक ग्रुप, इट इज एसिडिक एसिडिक एजो डाई एज इट कंटेन SO3H ग्रुप, SO3H ग्रुप। देखो इसमें SO3H ग्रुप है तो ये एसिडिक डाई हो गई, और ये एजो डाई है तो एसिडिक एजो डाई है मिथिल ऑरेंज। देन दिस ग्रुप मेक इट मोर सोल्यूबल एंड विच इज यूज फॉर द फिक्सिंग ऑन फाइबर्स, एट द फिक्सिंग पॉइंट ऑन फाइबर, फाइबर के साथ फिक्स होने वाला पॉइंट भी इसका कौन सा होता है, ये ही होता है SO3H, SO3H makes it more soluble, makes it more soluble in water, makes it more soluble in water and it is fixing point for attachment with फाइबर, फाइबर के साथ अटैचमेंट का पॉइंट भी इसका कौन सा होता है, SO3H ही होता है। इसी की वजह से ये एसिडिक डाई है और इसी की वजह से ये मोर सोल्यूबल होती है वाटर्स में, और ये फिक्सिंग पॉइंट भी होता है अटैचमेंट का किसके साथ, फाइबर के साथ। ये मतलब ये फाइबर के साथ केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं ऑक्सोक्रोम वो है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सोक्रोम कौन सा है, ऑक्सोक्रोम SO3H इज ऑक्सोक्रोम, यही इसमें क्या है, ऑक्सोक्रोम है। SO3H इज ऑक्सोक्रोम, ओके। तो ये होती है मिथिल ऑरेंज डाई। मिथिल ऑरेंज कंटेन वन एजो ग्रुप, इट इज एसिडिक ड्यू टू द इट कंटेन SO3H ग्रुप which makes it more soluble in water and uses a fixing point for the attachment with the fibers. SO3H is a oxochrome for methyl orange. See, what is the IUPAC name of the methyl orange? IUPAC name of methyl orange is dimethyl amino. देखो डाइमिथिल अमाइनो एजो बेंजीन डाइमिथिल अमाइनो एजो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ओके। सो ट्राई टू रिमेंबर इट्स IUPAC नेम डाइमिथिल अमाइनो एजो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिथिल ऑरेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।